कोरोना के प्रति कोटा शहरवासियों को जागरूक करने के लिए पुलिस भी पीछे नहीं है। शहर की दादाबाड़ी थाना पुलिस ने इलाके के लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए रोड पर ही संदेश लिखवाया है, जिसमें लिखा है, पहुंच गई गिनती हजारों में, इसे लाख मत होने दो, रुक जाओ अपने घरों में, इसे राख मत होने दो जैसे संदेश लिखे हैं। तो वहीं दादाबाड़ी सीआई ताराचंद भी स्वयं मौके पर जाकर अपने जवानों का हौसला बढ़ा रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने के बाद किस तरह की व्यवस्था इन इलाकों में की गई है, इसकी जानकारी ली हमारे संवाददाता योगेंद्र महावर ने। कोरोना के लगातार फैल रहे संक्रमण के बीच विभिन्न सामाजिक संगठन अपने अपने स्तर पर शहरवासियों को बचाने की कवायद में लगा है। ऐसे में शहर की जो पुलिस है वो भी अपने स्तर पर शहरवासियों से अपील कर रही है कि आप घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें। इस समय मैं हूँ दादाबाड़ी थाना इलाके के एक पॉश कॉलोनी वाले रोड पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीछे जो दादाबाड़ी थाना पुलिस है उन्होंने अपनी एक पहल शुरू की है लोगों को जागरूक करने के लिए। साथ ही यहाँ पे बताया गया है कि आप अपने घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें, आपकी सेफ्टी आपकी सुरक्षा हमारा दायित्व है। साफ तौर पे यहाँ पे लिख रखा है कि पहुंच गई है गिनती हजारों में, इसको लाख ना होने दें। इस तरह का पूरा एक वर्जन पूरे रोड पर लिखा गया है। यहाँ पे जो पेंटर्स हैं वो भी लगातार यहाँ पे जो लिख रहे हैं उसको, और लोगों को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि कोरोना का संक्रमण लगातार फैल रहा है। यहाँ पे दादाबाड़ी थाने के जो SHO हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे भी जानेंगे कि किस तरह की इन्होंने व्यवस्था यहाँ पे कर रखी है और किस तरह से ये इस दायित्व को निभा रहे हैं। सर, लगातार कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, तो आप लोगों की तरफ से किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है? लोगों को क्या है कि सरकारी गाड़ी के वाहन जो वाहन है उनसे माइक के जरिए भी बार बार अनाउंस करके लोगों को घर के अंदर रहने की हिदायत की जा रही है। इसके अलावा एक पेंटिंग करके सड़क पर हमने थाना इलाके में 5 जगह पर पेंटिंग, मुख्य मुख्य चौराहे 5 जगह पेंटिंग कराई है, जिससे लोगों में संदेश जाए कि उनको घरों के अंदर ही रहना है। कोई विशेष ही कार्य है, आवश्यक, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, तो परमिशन लेकर के निकल सकते हैं। 1 या 2 घंटे की जो परमिशन है वो नियमानुसार उनको दी जा सकती है। सबसे मैं यही आह्वान करता हूं कि सब लोग घरों के अंदर रहें, सुरक्षित रहें। कुछ दिनों के बाद लगभग 14-15-20 दिन तक अगर अपन लगातार घरों के अंदर रहते हैं तो निश्चित रूप से हम इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं कोरोना वायरस के संक्रमण में। सर, दादाबाड़ी इलाके में भी कई जगहों पर नाकाबंदी आप लोगों की तरफ से की गई है, लोगों जो वहां से निकल रहे हैं उनको समझाइश की जा रही है, आवश्यक होने पर ही उनको जाने दिया जा रहा है, तो किस तरह की आगे व्यवस्था रहेगी, क्योंकि लॉकडाउन बढ़ चुका है 3 मई तक, तो शहरवासियों को किस तरह से रोका जाएगा कि वो घरों से बाहर ना निकले? शहरवासियों को रोकने के लिए हमने 4 जगह पर नाके भी लगाए हुए हैं और उनको ये समझाइश करके भी किया जा रहा है कि आप लोग घरों से नहीं निकलें। उसके बावजूद भी कोई बिना कारण किसी घर से निकल रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हमने लगभग 200 वाहन अब तक जब्त किए हैं जो अनावश्यक रूप से बिना किसी कारण के, उचित कारण के घरों से बाहर निकले और केवल मौज मस्ती करने के उद्देश्य से घरों से बाहर निकले, उन लोगों की गाड़ियां हमने जब्त की है और वो गाड़ियां लॉकडाउन तक नहीं छोड़ी जाएंगी। तो कोटा पुलिस है, दादाबाड़ी पुलिस है, लगातार मुहिम कर रही है। आप पीछे भी देख सकते हैं कि सभी पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात हैं, निश्चित तौर पर वो पूरी ड्यूटी निभा रहे हैं और जो भी यहाँ से लोग निकल रहे हैं उनसे आह्वान किया जा रहा है कि आप घरों में रहें, जब वो नहीं मान रहे हैं या अनावश्यक तौर पर घरों से बाहर निकल रहे हैं तो उनको रोका जा रहा है, उनके चालान बनाए जा रहे हैं। साथ ही कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट तौर पर भी उनको समझाया जा रहा है, जो उनकी गाड़ियां हैं उनको भी जब्त किए जा रहे हैं। पूरा दादाबाड़ी थाना पुलिस जाप्ता जगह जगह पर लगा हुआ है, लोगों से अपील भी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए जहां विभिन्न सामाजिक संगठन अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो वहीं कोटा पुलिस, दादाबाड़ी पुलिस भी लगातार लोगों को जागरूक करने में लगी हुई है। सहयोगी राजेंद्र भारद्वाज और कैमरा पर्सन नारायण के साथ योगेंद्र महावर, A1 TV कोटा।